मध्य प्रदेश के खरगोन में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर के गलत इलाज से 8 माह के मासूम की एक आंख खराब हुई। शरीर में इन्फेक्शन फैलने से पूरे शरीर में घाव फैल गया। दर्द से बिलखता मासूम, मामला दबाने के लिए डॉक्टर ने 1,90,000 का चेक दिया। पीड़ित ने केस नहीं कराया था, पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मासूम की हालत देखकर CMHO ने भावुक होकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही गंभीर लापरवाही का एक मामला भगवानपुरा थाना के पाला सकुट के सामने आया है। 8 माह के अविनाश को सामान्य बुखार आने पर उसकी मां जनाधिपति सुरेश भगवानपुरा निवासी डॉक्टर दीपेंद्र नाथ विश्वास के पास इलाज के लिए लेकर गई थी। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद 8 वर्षीय मासूम अविनाश को इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने कुछ पैसे देकर मामले को दबाने के लिए बच्चे को इंदौर MY अस्पताल में रेफर किया। इन्फेक्शन इतना अधिक फैल गया कि बच्चे की एक आंख पूरी तरह से खराब हो गई और पूरे शरीर की चमड़ी निकल आई। एक कान भी डैमेज हो गया है, कई स्थान पर घाव हो गए हैं। मामले को दबाने के लिए फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर दीपेंद्र नाथ ने बच्चे के पिता सुरेश को 1,90,000 रुपये का चेक भी दे दिया था। गरीब माँ बाप ने चेक नहीं बुनाया और भगवानपुरा थाने पर गुहार लगाई। पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई और उल्टे पुलिस ने डरा धमका कर उसे भगा दिया। जब भगवानपुरा TI के नॉलेज में यह मामला आया तो तत्काल FIR दर्ज की गई। मामले की शिकायत लेकर सुरेश और परिजन बच्चे सहित CMHO कार्यालय पहुंचे। यहां CMHO डॉक्टर रंजन डावर ने पूरी घटना बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए CMHO डॉक्टर डावर ने तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और कड़ी कार्यवाही की बात कही। खरगोन से जतिवारी की रिपोर्ट। 19 दिसंबर को मेरे बच्चे को बुखार आया था नॉर्मल, तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 400 रुपये की मेडिकल लिख दी और मैं मेडिकल चले गया। मेरी मिसेस और मेरा बच्चा वहीं था, मेरे बिना पूछे उसने इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद में इंजेक्शन इन्फेक्शन बनने लगा। मैं बाद में खरगोन लाया, खरगोन विजयलक्ष्मी बताया, वहाँ एक नाइट रखा। उसके बाद गवर्नमेंट अस्पताल ले गया, वहाँ से इंदौर रेफर किया गया, जब मैं 2 महीने तक बच्चे का इलाज करवा रहा। और उसके बाद में मैंने बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा हो गया इंजेक्शन लगाने, तो उसने मुझे 5,000 करके वहाँ 2 महीने तक 55,000-60,000 रुपये उसने दिए। तो वो पैसे से मैं उसका इलाज करवा रहा था। उसके बाद मैं 1,90,000 का चेक दिया और डॉक्टर ने बोला अभी कि उसकी एक आँख तो खराब हो गई और ये कभी भविष्य में कान से भी नहीं सुन सकता और उसके ये पैर भी नहीं चल सकते। तो मैं बच्चे के लिए परेशान हुआ अभी, और मैं थाने गया था तो थाने वालों ने पहली बार मुझे मार के वापस भगा दिया भगवानपुरा थाने में। और उसके बाद में मेरी मिसेज रिपोर्ट लेके वहाँ साइन भी कर दी। उसके बाद भी वो थाने वाले घर आके मुझे मार कर रात में मारे और मुझे नहीं दिला रहे, इसलिए मैं यहाँ आया। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर दीपेंद्र नाथ विश्वास, बंगाली डॉक्टर। बंगाली डॉक्टर। पूरा इन्फेक्शन हो गया, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा और कहना है कि डॉक्टर लोगों का कि ये कान से भी नहीं सुन सकता और आगे चल के और भी इसका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो मुझे इलाज की जरूरत है बच्चे के लिए। इलाज के लिए जो चेक दिया था वो चेक में है राशि निकाली? चेक नहीं निकाला सर, राशि चेक है मेरे पास। कितने महीने का बच्चा है? बच्चा 8 महीने का सर। क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या चाहते हो? मैं बच्चे का इलाज चाहता हूँ सर। मैं भगवानपुरा निवासी पलासकोट है, हाल भगवानपुरा रहता हूँ तहसील के पास। अस्पताल कौन सा था? अस्पताल वहीं भगवानपुरा। जिस बच्चे को अभी आप लोगों ने दिखाया है वो सही है? तो बच्चे को स्किन में भी और आपका भी देखा गया, और चूंकि अभी वो ड्रेसिंग वहाँ पे करा रहा है, उसे यहाँ पर एडमिट जिला चिकित्सालय में भर्ती कराने के लिए बोला है ताकि उसकी सही ढंग से यहाँ पर उसकी ड्रेसिंग हो पाए और बच्चा ठीक हो पाए। उसकी आँख के लिए भी करेंगे और उसके लिए हमें जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखा के जो हमारी RPS की टीम में थी, मतलब जो हमारे को सुविधा हम दे सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जो डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किया गया है उसके प्रति भी काफ़ी, और ज़िले में भी मतलब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब हमारे पास पहले डॉक्टर्स नहीं थे, अब हमारे पास डॉक्टर्स काफ़ी आ गए हैं और जिसके लिए हम सभी जगह पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। देखा जाता है कि 2-4 दिन कार्रवाई चलती है, उसके बाद में वो पेंडिंग हो जाती है। बिल्कुल, अभी कभी कोई कार्यक्रम आ जाता है तो बीच में, मगर ये सतत प्रक्रिया है और इसको होते रहना चाहिए और इसके लिए बिल्कुल निर्देश दिए जाएंगे। भगवानपुरा का मैटर है, आप देखे तो 2.5 महीने हो गए हैं,
भगवानपुर अस्पताल में उसका इलाज भी चल रहा है। वहाँ के डीएमओ की बड़ी लापरवाही है कि उन्होंने मुख्यालय से सूचित नहीं किया। कैसे देखेंगे इसे और क्या कार्रवाई करेंगे इसको लेकर, जबकि भगवानपुरा जिला से सबसे ज्यादा पट्टी डॉक्टर थे, पहले भी कार्रवाई में रास्ते या था सब मामले को दबाने की प्रयास भी किए इस मामले को। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि यदि उनको ये पता था कि फर्जी डॉक्टर्स ने मतलब जो है नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन और उसके द्वारा वो बच्चे उसने शिकायत करी, उसके पश्चात भी यदि उन्होंने उसकी जाँच नहीं की तो हम उनको उस बात की कार्रवाई की। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।